गोपियों की पुरोहित हैं। पुरोहित जानते हो किसे कहते हैं? पुरोहित अंग्रेजी में जिसको एडवोकेट कहते हैं। पुरोहित माने एडवोकेट, जो आपके हित की वकालत करे, आपके आपके हित की, आपके मतलब की, आपके स्वार्थ की जो वकालत करे, उसका नाम पुरोहित। तो पुरोहित क्या करता है? देवताओं से वकालत करता है, पूजा करवाता है आपके, और कहता है भाई महाराज हमारे यजमान को आप आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, इनसे प्रसन्न होइए। ऐसा करता है कि नहीं? वही काम राधा रानी का है। राधा रानी समस्त जीवधारियों की, देहधारियों की पुरोहित हैं, सबका हित पुरस्सरण करती हैं, सबका हित ठाकुर जी के समक्ष रखती हैं। रहसी संविदो, और जब अकेले में बात होती है तो दिल को छू जाती है, दिल को छू जाती है। हृदय स्पर्श, हृदय स्पर्श एग्जैक्ट वर्ड है ना, हृदय, हृदय को स्पर्श करने वाली है। ठाकुर जी से जब बात होती है तो दिल को छू जाती है। रहसी संविदो या हृदय स्पर्श कुहकनो मन क्षोभयन्ति ही। हे कपटी, बहुत कपटी हो, गाली भी बीच बीच जोड़ देती हैं ये। ठाकुर जी को कुहक कह दिया। कुहक माने तुम तो बिल्कुल अंधकार हो। अंधकार जैसे काला होता है ना, वैसे ही काले हो। कोहरा जैसे अंधेरा कर देता है चारों तरफ, वैसे तुम्हारे, तुमने अंधेरा कर दिया है। किस तरह से? अपनी उपस्थिति से नहीं। हमारी जिंदगी में जो अंधेरा हुआ है वो आपकी उपस्थिति से नहीं, आपकी अनुपस्थिति से हुआ है। इसलिए आप अपनी उपस्थिति लाइए तो हम कुहक कहना बंद कर देंगे, नहीं तो हम तुम्हें अंधकार कहेंगे। नहीं आओगे तो, नहीं आओगे तो हम तुम्हें अंधकार कहेंगे, और आ जाओगे तो हम तुम्हें प्रकाश कहेंगे। हमारा हृदय बड़ा क्षुब्ध हो रहा है, एक क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, हमें बड़ा दुख हो रहा है, या दूसरी बात गुस्सा बहुत आ रही है, हमें बहुत गुस्सा आ रही है। देखो हमें बहुत गुस्सा आ रही है, जल्दी आ जाओ, अब बहुत बर्दाश्त हो गई है, अब ज्यादा बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, अब आपको आना पड़ेगा। तो ये गोपियों की अपनी अपनी अलग प्रकार की अदा है जो इस गोपी गीत में निकलती है, प्रकाशित होती है। ये गोपी गीत का, इसको समझने की कोशिश करिए। मैं तो समझता हूं कि समझने की जरूरत भी नहीं है, गोपी गीत समझने की जरूरत नहीं है, आनंद लेते रहिए। कभी कुछ समझ में आएगा तो कभी कुछ समझ में आएगा, और पूरा समझ में आ गया तो फिर आओगे नहीं आप, इसीलिए ये अधूरा समझ में आना चाहिए। अपूर्णता का भी बड़ा लाभ होता है। वर्ड्सवर्थ एक कविता है, वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर। अब वो कहता है क्या है कि एक लड़की जो है वो फसल काट रही है, और श्रीमान जी बहुत दूर खड़े हुए हैं, करीब 300 गज दूर, और उधर से एक पास से एक पासरवाई भी निकलता है, गुजरने वाला व्यक्ति, उससे कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जाओ नहीं कहीं। क्या कब? देखो वो फसल काट रही है ना लड़की, वो कुछ गा रही है। तो बोला कि भैया गा रही तो गाने दो, हम मैं क्या करूं उसमें। बोले नहीं नहीं सुनो, कि इतनी दूर से सुनाई क्या पड़ेगा, वो गा रही होगी, इतनी दूर पे गा रही है, वहां से क्या सुनाई पड़ेगा। बोले अनुमान लगाओ, अनुमान लगाओ क्या कर रही है। बोले अनुमान लगाने इसकी जरूरत क्या है। क्या देखो यही तुम पास में पहुंच जाओगे तो जो गा रही है वो ही सुनाई पड़ेगा, और दूर रहोगे तो कभी कुछ सुनाई पड़ेगा तो कभी कुछ सुनाई पड़ेगा। अनुमान में ज्यादा मजा है। सर्टेनिटी इज नेवर सो जॉयफुल एज द अनसर्टेनिटी इज। हमारी जिंदगी अनसर्टेन है, ज्योतिषी लोग बड़े कोशिश करते रहते हैं उसको सर्टेन बनाने की,
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये दशा आ रही है, वो दशा आ रही है, अब तुम्हारी राहु की दशा आ रही है, अब तुम्हारी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे भैया काहे को बता रहे हो हमें मुसीबत आने वाली है, या ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ मत बताओ। अनसर्टेनिटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जिंदगी का जो आनंद है वो इस बात में है कि मुझे कल नहीं मालूम है कल क्या होगा। बताओ भैया, अच्छा यदि आपको पता लग जाए कल क्या होगा तो बेकार हो जाएगा ना कल। अब आपको बता दें हम सवेरे 5 बजे तुम उठोगे, इसके बाद में फिर ये होगा, फिर इसके बाद में ये होगा, फिर ये मिलने आएगा, फिर वो मिलने आएगा, फिर उससे झगड़ा हो जाएगा तुम्हारा, फिर वो तुम्हारे तमाचा मार देगा, तुम उसके घूंसा मार दोगे। यदि ये सब बातें आपको पता लग जाए तो क्या होगा, बेकार हो गया ना। यदि व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मैं अमुक दिन मरूंगा, अरे जिंदगी बेकार हो जाएगी, क्या करोगे तुम? अमुक दिन, अमुक महीने में, अमुक तारीख को, अमुक बार पर और अमुक टाइम पर तुम मर जाओगे। यदि ये पता लग जाए आदमी को, उसके जीवन का जितना भी रस है, जितना भी आनंद है, वो समाप्त हो जाएगा। यदि उसको 10-12 दिन बाद मरना होगा तो बेचारा सब बेकार हो जाएगा, उसकी सब आशाएं वाशाएं सब खत्म हो जाएंगी। वो तो कल्पना करता रहता है कि मैं अभी मरूं, अभी थोड़ी मर जाऊंगा, अभी मरने में बहुत दिन है, अभी मरूंगा नहीं। तो अनसर्टेनिटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जीवन में अनिश्चितता ही सबसे बड़ा रस है, इसलिए कभी इसको निश्चित मत करना, कभी किसी ज्योतिषी को हाथ मत दिखाना, कभी जन्मपत्री नहीं दिखाना, दिखाओगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। नेवर मेक योर लाइफ सर्टेन, इट शुड रिमेन अनसर्टेन, बिकॉज ठाकुर जी हैज मेड इट अनसर्टेन। ठाकुर जी ने तो इसको अनसर्टेन बनाया है, क्यों उसको सर्टेन बना रहे हो? तो गोपियों ने जो ठाकुर जी से वार्ता की है, और वार्ता करने में जो उन्हें सुख मिला है उसको इन्होंने वर्णन किया है, और वर्णन करने में इतना दुरू है, वो वर्णन प्रलाप है, वो पागलपन है, और पागलपन समझ में आता नहीं है कुछ। तो जितना कम समझ में आए उतना अच्छा है, कम से कम बार बार इसको समझने की कोशिश तो करोगे। यदि एक बार में सब समझ में आ गया तो फिर बार बार का रस खत्म हो जाएगा। अब की बार में ये सुनेंगे, एक की बार में ये सुनने को मिला। इसलिए गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, गोपी गीत को समझने के लिए, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही बुद्धि चाहिए। और कौन सी बुद्धि चाहिए? कृष्ण प्रेम रस भाविता मति ही, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, ऐसी बुद्धि चाहिए। भैया बुद्धि कहां मिलेगी? ये बुद्धि लेना चाहते हैं हम भी। भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम रस में डूबी हुई भक्ति हमें कहां मिलेगी? तो कहते हैं क्रियताम, खरीद लो। यदि कुतोपि लभ्यते, क्रियताम खरीद लो यदि कुतोपि लभ्यते। हाँ कहीं मिलती है भाई, बताओ। ठाकुर जी के प्रेम की, प्रेम की रस भाविता मति ही, प्रेम से सराबोर बुद्धि कहीं पर खरीदने को मिल सकती है क्या? हाँ मिलती है, दुकानें बहुत सी हैं, लेकिन कीमत देने की बात है। आपकी जेब में वो यदि कीमत हो तो दो, खरीद लो। अब कीमत क्या है? तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम्, तत्र मूल्यमपि लौल्यमेकलम्। आप में लौल्य होना चाहिए। अभी हमारे ब्रजकिशोर जी बता रहे थे, नरेंद्र जी का बता रहे थे, विवेकानंद जी का, कि कैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको जल में ही डुबो दिया, कसके पकड़े रहे कसके देर तक, और वो भड़बड़ा गए बुरी तरीके से, अरे क्या कर रहे हो? तो बाहर निकल के आए, बोले ये क्या कर लिया? कर दिया मेरे ऊपर, मेरे को दबा क्यों रहे थे तुम? बोले तुम्हें बस ये बता रहे थे बेचैनी क्या चीज होती है, लौल्य क्या चीज होती है,
भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, इसको प्राप्त करने के लिए लौल्य में कलम, केवल लौल्य की आवश्यकता है। और वो लौल्य कहां मिलेगा, वो लोलुपता कहां मिलेगी, वो लालच कहां मिलेगा, वो लोभ कहां मिलेगा, कि यदि ये लोभ तुम्हें कहीं ये लोभ मिल जाए तो उस लोभ के द्वारा ये मति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तत्र मूल्य मति लौल्य में कलम, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, करोड़ों जन्म तक यदि तुम पुण्य करोगे, करोड़ों जन्मों तक यदि पुण्य करते रहोगे तो भी ये मति मिलने वाली नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके मन में वो बेचैनी आ जाएगी जो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, उसी दिन आपका जो मति है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही सिद्ध हो जाएगी। तो गोपियां जो हैं वो प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चति ध्यान मंगलम रहसी संविदो या हृदय स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति ही। अब आगे क्या कहती हैं वो, चलसि यद् रजाचारयन् पशून। जितने ठाकुर जी के गतिशील लीलाएं हैं उन्हीं का चिंतन करती हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि गोपियों का यदि आपको अनुगत्य प्राप्त करना है तो कम से कम स्थिर ध्यान वाली दिशा में मत जाना कभी। यदि किसी संप्रदाय में किसी संस्था में आपको स्थिर ध्यान सिखाया जा रहा है तो इसके मतलब है कि आपको कृष्ण भक्ति से दूर किया जा रहा है। ऐसी किसी संस्था में मत जाना जहां पर आपको स्टैग्नेंट मेडिटेशन सिखाया जाता हो। जब भी मेडिटेशन सीखो तो डायनेमिक मेडिटेशन सीखना, गतिशील ध्यान सीखना, क्योंकि ठाकुर जी की जितनी लीलाएं हैं वो सभी गतिशील हैं और ठाकुर जी ने लीलाएं की ही इसीलिए जिससे कि आपके मन की गतिशीलता बनी रहे और मन की गतिशीलता से अनुकूलता बनी रहे। मन की गतिशीलता से भगवान की गतिशीलता जब साम्य स्थापित कर लेती है तो ध्यान की अवस्था दृढ़ हो जाती है। इसलिए आपको गोपियों की अनुगत्य को प्राप्त करना है, गोपियों को गुरु बनाना है, गोपियों के अनुगामी बनना है, आपको किंकरियों के अनुगामी बनना है, जो बंजरी गोपियां हैं उनके अनुगामी बनना है। ये ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ा इस गोपी गीत का निष्कर्ष है। चलस यदि व्रजाचारयन् पशु, क्योंकि ठाकुर जी को सब काम चलने वाले हैं। चलस आप चलते हो, ब्रज से चलते हो, और कैसे चलते हो, चारयन् पशून, पशुओं को चराते हुए चलते हो। नलिन सुंदर, आप तो नलिन सुंदर हो, आप कमल जैसे सुंदर हो, नील कमल जैसे सुंदर हो। नाथ ते पदम, आप नहीं, आपके चरणार विंद सुंदर है। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे प्रभु आपके जो चरणार विंद हैं ये कमल जैसे सुंदर हैं। और हम ध्यान करती हैं जब आप गौओं के पीछे पीछे, गौओं के पीछे पीछे जब अपने चरणों से चलते हो तो ठाकुर जी ने कभी जूते नहीं पहने, ठाकुर जी ने कभी जूते नहीं पहने। मैया यशोदा बोली, बेटा तू दिन भर घूमते रहे हैं, गैयान के पीछे घूमे तो एक कंकड़ लगते होंगे, तो एक कांटे लग जाते होंगे, मैं तेरे लिए छोटी छोटी जूती बनाए दूं कपड़ा की, और कपड़ा की जूती पहन करके जाया कर,
तो ठाकुर जी बोले कि दो तीन कारण हैं जिनके कारण मैं जूती नहीं पहनना चाहूंगा। पहला कारण बताओ क्या है? ठाकुर जी जूते क्यों नहीं पहनते हैं? जब तक ब्रिज में रहे हैं तब तक जूते उनके पैरों में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कारण बताइए, कितने कारण हो सकते हैं जूते न पहनने के? एक आध कोई कारण बताइए हैं? पृथ्वी पर पैर रखने से स्पर्श बना रहता था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्यों स्पर्श को बनाए रखना चाहते थे पृथ्वी से? हाँ, पृथ्वी उनकी पत्नी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। ठीक है ना? तो एक तो पृथ्वी को हमेशा ये एहसास बना रहे कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आया हूं, इसलिए तुम कभी भी शिकायत मत करना। तो कभी तुमको मेरा स्पर्श का अनुभव से रहित न हो जाए तुम्हारा चेतना, इसलिए मैं सदैव तुम्हारे ऊपर बिना किसी जूते के चलता हूं। एक नंबर दो है, गोवंश जूते नहीं पहनता है इसलिए वो भी नहीं पहनते हैं। चलो, अच्छा भाव है आपका, बहुत सुंदर, ये भी सही है। और बोलिए, और बोलिए हैं, बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छी भावना है कि ठाकुर जी कहते हैं कि यदि मैं जूते पहनूंगा तो मेरे को संत लोग पहचान नहीं पाएंगे कि मैं किधर गया हूं, और मेरे चरणों के चिन्ह सब जगह अंकित हो जाएं, इस कारण से भी ठाकुर जी जूते नहीं पहनते हैं। बहुत अच्छा भाव है। और बोलिए अगला भाव, ठाकुर जी जूते क्यों नहीं पहनते हैं? जूते से देरी हो जाएगी। नंगे पैर दौड़ते हैं, क्या बात है, ये भी एक भाव है। ये कहते हैं जूते यदि पहन लेते तो मिट्टी ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करके वो महिमा रज की ब्रज की कैसे बनती, ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने अपने चरणों से उसको पवित्र किया है। ये भी बहुत अच्छा भाव है, शास्त्रीय है, शास्त्र भी इसको मानता है। और बताएं, और क्या कारण है, और क्या कारण है? राधा जी अपने हृदय में धारण करती हैं, इसलिए उनको वो ठीक है, लेकिन अभी तार्किक नहीं बना। हृदय में धारण करती हैं इसे चिंता नहीं करते हैं, आराम से जहां चाहो वहां घूमो, कि हृदय में तुम्हें हमने रखी दिए राधा जी के चरण, राधा जी के हृदय में हमने पैर रख दिए, अब हमें कोई चिंता नहीं है, पैर का बीमा हो गया, सुरक्षित है, हृदय में रहते हैं। ये तो बता चुके हैं, ये तो इन्होंने बता दिया। गायें पैर जूते नहीं पहनती हैं तो ये भी जूते नहीं पहनते। घोड़े जूते पहनते हैं, आपको मालूम है, घोड़े जूते पहनते हैं, नाल लगती है उनके, उसको अंग्रेजी में हॉर्स शू कहते हैं, अंग्रेजी में शू कहते हैं उसको, हॉर्स शू। और कोई कारण बताओ? ठाकुर जी जब चलते हैं तो जितने भी पत्थर कंकड़ कांटे वो सब अपने को धन्य मानते हैं, और इतने पुलकित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि वो द्रवित हो जाते हैं और कोमल हो जाते हैं, और पत्थर भी पिघल करके मोम हो जाता है। यही कारण है कि पत्थर पर भी ठाकुर जी ने यदि चरण रखा तो वहां पर भी चिन्ह बन गया।
इसीलिए कहा गया है ययौ मधुबनम पुण्यम हरेश चरण चर्चितम, हर के चरणों से चर्चित है ये पूरी पृथ्वी। तो खैर बहुत से अर्थ हैं। और यशोदा मैया से बोले भगवान कृष्ण कि मैया यालिए मैं नहीं जूता पहनूंगो, क्योंकि मेरो स्पर्श मेरो संपर्क पृथ्वी से कम हो जाएगो, और फिर मुझे कोई भी कांटो लगे नहीं है। कांटे के लिए तो जूता पहने जाए, कांटो लगे नहीं है, कांटो भी पिघल जाए मेरे पैर पड़ने से, कंकड़ पिघल जाए मेरे पैर पड़ने से, ये लिए काय को मैं जूता पहनूं, जब मुझे सब जगह पे गद्दा ही गद्दा दिखाई दे रहे हो, सब जगह कोमल ही कोमल भूमि है, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। लेकिन गोपियों को बड़ा कष्ट है। गोपियां कहती है महाराज अब चलना बंद करो, क्योंकि आपके चरणों में जब चुभते हैं कंकड़, आपके चरणों में चुभते हैं जब शूल कांटे, तो चुभते हैं हमारे दिल में, क्योंकि आपके चरण तो रहते हैं हमारे दिल में, और कष्ट उधर होता है, चुभते उधर हैं, कष्ट इधर होता है, चुभते उधर हैं, दर्द इधर होता है। इसलिए शिल त्रणांकुरई सीदती थी नह, सीदती कष्ट होता है हमें, विषीदती हमें दर्द होता है, विषाद को प्राप्त होती है, हम दुखी हो जाती हैं। और आपने देखा होगा, ये देखा होगा आपने, अब ये प्रेम की एक परिभाषा मैंने आपको बताई थी, तत् सुखे सुखित्वम, उसके सुख में सुख मानना ही प्रेम है, तो इसका वाइसी वर्षा भी हो गया, और क्या हो गया, तत् दुखे दुखित्वम। प्रेम में सुख में सुख होता है और दुख में दुख होता है। तो ठाकुर जी को जब पैरों में कंकड़ चुभते हैं, उनके कांटे चुभते हैं, तो उस समय पर उनको कष्ट होता है। कहते हैं कि ऐसे ही द्रौपदी ने भी जब भगवान के जब शिशुपाल को मारने के लिए चक्र चलाया, तो कुछ चक्र टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, उधर तो शिशुपाल के जाकर के गले में लगा और गले को अलग कर दिया, लेकिन इतने में थोड़ा सा खून निकलने लगा ठाकुर जी की उंगली में। तो द्रौपदी ने झट से अपनी साड़ी फाड़ी और ठाकुर जी के उंगली में लपेट दी, ठीक है ना। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, कर्जा चढ़ा दिया तुमने, कभी उतारूंगा, कभी उतारूंगा ये कर्जा। और कब कर्जा उतारा है वो, जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचा है, तो ठाकुर जी ने उसी उंगली से जितना भी चीर अनंत अनंत चीर बढ़ा दिया, तो ठाकुर जी को दिया हुआ कोई भी चीज अनंत हो जाती है। कभी देख के देखो ठाकुर जी, अब सोचो जरा, साड़ी फाड़ करके छोटा सा चीट और उनके हाथ में बांध दिया था, उसका परिणाम हुआ कि अनंत चीर भगवान ने प्रदान किया। जब आप भगवान को भोग लगाते हो, तो आपको अनंत काल तक के लिए भगवान भुक्ति प्रदान कर देते हैं, भोग विलास प्रदान कर देते हैं। इसलिए भगवान को दिया हुआ अक्षुण्ण होता है, अक्षय होता है। अक्षय पात्र जो द्रौपदी के पास में था, वो द्रौपदी सबको भोजन कराती थी, सबको भोजन कराती थी, उसमें से निकालती थी, जब तक वो धो नहीं लेती थी तब तक उस दिन सबको भोजन करा सकती थी, लाखों लोगों को भोजन करा सकती थी, लेकिन एक बार बटलोई धो करके रख दी तब क्या होता था, फिर उसमें से कुछ नहीं निकलता था, उसका नाम तब तक अक्षय पात्र नहीं हुआ। उसका नाम अक्षय पात्र तब हुआ जब भगवान, जब दुर्वासा दुर्योधन के भेजे हुए पहुंचे वहां पर, और उन्होंने भोजन की अपनी घोषणा कर दी कि मैं भोजन करने आऊंगा, 60,000 शिष्यों को लेकर के आ रहा हूं, और बस अभी आ रहा हूं, और आराम से अपने नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो आए ही नहीं,
लौट करके, और उधर बटलोई जो है वो पहले से ही साफ हो चुकी है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब भगवान से प्रार्थना करती, महाराज क्या करूं मैं, मेरे बस की बात नहीं है, ये दुर्वासा जी आए हुए हैं और बटलोई में धो चुकी हूं, इन्हें भोजन कहां से कराऊं, इनके 60,000 शिष्य हैं और एक ये भी हैं, इनका पेट कैसे भरेगा। तो ठाकुर जी बोले अभी आया। ठाकुर जी आते हैं और कहते हैं भूख बहुत जोर लग रही है। बोले महाराज वो तो भूखे थे ही, वो तो भोजन के लिए आई गए थे और उनके समस्या का समाधान करने के लिए हमने आपको बुलाया और आप भी भूखे ही आए। बोले क्या करूं मैं, तो भोजन करने के लिए रुक्मणी ने मुझे बैठायो, थाली सामने रखी और तब तक तुमने आवाज दे दी नहीं, तो मैं बिना खाए चलो आयो। मैंने सोची द्रौपदी के भोजन कर लूंगा, कोई बात नहीं, रुक्मणी को समझाए दियो। मैंने कि काई कुछ क्यों चिंता करे, अरे यहां ना खाओ वहां खाओ, मैं वहां खा लूंगा। बोले महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जंगल में रहूं, मेरे पास में है का, मैं आपको खवाऊंगा क्या, मेरे पास में तो वही बटलोई भाई से खिलाती। बोले बटलोई तो लाओ। बामे महाराज कछु ना है। अरे लाओ तो, कछु ना है महाराज बामे, हम बता तो रहे हैं, धोए पोंच के रख दी नहीं, देखूं कछ है क्या ना है बामे। देखो वो धोने के बाद भी उसमें चावल का एक कण लगा हुआ था जरा सा, उस कण को भगवान ने अपने मुख में डाला और बोले वाह पेट भर गया, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट भोजन है। और ठाकुर जी ने जो हाथ फिरायो अपने पेट पे, तो भीतर ही सब तीनों लोग बैठे हुए हैं, और भाई में दुर्वासा ऋषि हैं और भाई में 60,000 ऋषि हैं, सबको पेट भर गया। अब दुर्वासा ऋषि अपने संगीन से बोले भैया हमारा तो पेट बहुत ज्यादा भर रहे हो, ऊपर आ रहे हो भोजन। तो वो सब साथी, वो जब उनके शिष्यगण बोले महाराज हमारी भी यही हालत है, भोजन ऊपर आ रहे हो, उल्टी करने की इच्छा हो रही है, क्या भोजन करने नहीं चलोगे, अरे कौन करेगा, चलेगा वहां तैयार करके सब बैठी होगी, हम वहां के आए हैं, अब ऐसा करो यहां से जल्दी से खिसक ले। सबके सब बिना सूचना दिए वहां से चले गए। आज से उस बटलोई का नाम जानते हो क्या हो गया, अक्षय पात्र। आपके घर की बटलोई भी उसी दिन अक्षय पात्र हो जाती है जिस दिन उसमें आप ठाकुर जी के लिए भोजन बनाते हो, और जब अपने लिए भोजन बनाते हो तो वो होता है अक्षय पात्र, और जब ठाकुर जी के लिए भोजन बनता है उस बटलोई में तो वो क्या बनता है, अक्षय पात्र। तो अब आप बताओ अपने घर को, अपने रसोई को अक्षय रसोई बनाओगे कि नहीं बनाओगे, या प्याज लहसुन बनाओगे घर में, हैं? ठाकुर जी को मिश्री भोग लगाओगे और अपनी रसोई में लड़कन से कहते हो बेटा बना प्याज बना लहसुन बना और देख ज्यादा अच्छी बन जाए तो मेरे पास भी ले आइयो भोजन। बड़ी हालत खराब होती जा रही है। तो चलस यदि प्रजाचार्यन पशुन नलिन सुंदरम नाथते पदम शिल तृणांकुरई सीद तीति नह। ये गोपियों का हृदय है, गोपियां ठाकुर जी के कष्ट को अपना कष्ट मानती हैं। तद दुखे दुखित्वम ठाकुर जी को कष्ट हो और आपके दिल में दर्द हो, ठाकुर जी के चक्र चलाने से उनकी उंगली में रक्त बह रहा है और दर्द किसके हुआ, ठाकुर जी के दर्द नहीं हुआ, दर्द द्रौपदी के दिल में हुआ है। जिस दिन आपको ठाकुर जी का दर्द इस तरह से मालूम पड़ने लगेगा, जिस दिन गर्मी बहुत पड़ेगी और आप ठाकुर जी की सैया के पास बैठ करके पंखा झलोगे, जिस दिन आप सर्दी बहुत पड़ेगी और आप ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया स्वेटर बना करके ठाकुर जी को पहनाओगे, ठाकुर जी को ऊपर से शैया पर रजाई उड़ाओगे कि आज सर्दी बहुत है, उस दिन समझ लो कि ठाकुर जी का जो तत्सुखे सुखित्वम तत्दुखे दुखित्वम पूरा हो गया
और अब ठाकुर जी का दुख तुम्हारा दुख है, जब तुमने ठाकुर जी का दुख अपना दुख बनाया है तो फिर तुम्हारा दुख क्या ठाकुर जी अपना दुख नहीं बनाएंगे? वो कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं रहने देते हैं, कभी दुखी नहीं रहने देते हैं। जब द्रौपदी ने ठाकुर जी का दुख अपने दिल में ग्रहण कर लिया तो फिर कैसे होगा? यही गोपियों की स्थिति है। गोपियां जब ठाकुर जी का कल्पना करती हैं, चिंतन करती हैं कि ठाकुर जी चल रहे होंगे, उनके पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे, तो दिल में दर्द होता है उनके। उस दर्द को दूर करने की इस स्वार्थ के कारण वो ठाकुर जी से प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी लौट, अब लौट आओ, क्योंकि आपका दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। शिल त्रणांकुरई सीदती तिनहा कलिलताम मनः कांत गच्छति। हमारा मन बहुत कष्टित हो रहा है, हमारे इस कष्ट को दूर करने के लिए प्रभु आ जाओ, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम I'm
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल श्री गुरुदेव भगवान की जय आज 11वां दिवस है अच्छा है दिन एक एक 11 हो गए बस कुछ दिन और रह गए इस सत्संग से लाभ उठाने का आज जो लोग पहले आ गए थे उन्होंने अष्ट सखियों का पूजन देखा इतना भव्य था इतना सुंदर था ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ की बालिकाएं सजी थी लगता था वही सब अष्ट सखियां थी जो
कन्हैया के समय राधा जी के सन्निकट रहती थी और उनका सबका पूजन सभी ने किया। कल समय से सब लोग, समय से ही कार्यक्रम प्रारंभ होता है, समय से ही विसर्जन होता है। आरती। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुम कोरी छाऊं, आरती श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी महर्षि मुनि मन मोहे, प्यारी महर्षि मुनि मन मोहे, देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली कंका प्यारी, चरणों से निकली कंका प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, दासी अनाथ के नाथ गाप हूं, दासी अनाथ के नाथ गाप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं, तुम को
श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं।